Hello student, this is your online computer class. We are in chapter 6, MS Word Introductions and Editing. So look at your book, page number 59. Here we have replace. Here we are going to learn how to replace a certain word in your documents with new words. Okay, तो यहाँ पे जो रिप्लेस कमांड है उसको हम किस तरह से यूज करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स में, किसी भी वर्ड को किस अपने डॉक्यूमेंट्स में किसी भी न्यू वर्ड से रिप्लेस कैसे करेंगे. तो यहाँ पे इसका कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, इसको स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इस कमांड को अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. द रिप्लेस कमांड इज यूज टू रिप्लेस अ टेक्स्ट विथ अ न्यू वर्ड और पैराज. तो हमने पहले भी कहा कि रिप्लेस कमांड जो है वो किस लिए यूज़ होता है, वो एक किसी भी न्यू किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए विद अ न्यू वर्ड्स और पैराज से रिप्लेस करने के लिए यूज़ होता है. किसी भी टेक्स्ट को एक न्यू उसके जगह किसी न्यू वर्ड को यदि हमें उस पर एडिट करना है, उसमें रिप्लेस करना है, तो हमें ये रिप्लेस कमांड यूज़ करना है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए, तो स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम रिप्लेस कमांड को अप्लाई करेंगे. तो इसके लिए हम कंप्यूटर स्क्रीन में देखते हैं किस तरह से रिप्लेस ऑप्स कमांड काम मिलाया जाता है. यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन में एमएस वर्ड ओपन करेंगे, तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, इसमें से किसी एक टेक्स्ट को या किसी वर्ड को रिप्लेस करना है. तो हम एक वर्ड को यहाँ पे रिप्लेस करके देखेंगे. तो यहाँ पे एक वर्ड चूज़ करते हैं जो हमें यहाँ पे एक नेशन वर्ड है, उसको हमें यदि रिप्लेस करना है विद न्यू वर्ड्स, तो हमको क्या करना है, फर्स्ट क्लिक ऑन द रिप्लेस बटन ऑन द एडिटिंग सेक्शन. यहाँ पे होम टैब में जाना है, इसके बाद यू हैव टू क्लिक ऑन दिस रिप्लेस बटन. रिप्लेस बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग्स बॉक्स अपीयर होगा. ठीक है, ये फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग्स बॉक्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे नेशन टाइप करना है, तो यहाँ ऑलरेडी नेशन टाइप है, तो यहाँ पे नेशन टाइप करना है. उसके बाद ये जो ये वर्ड है वो यहाँ पे टाइप कर देना है. ठीक है, उसके बाद उसको रिप्लेस विथ कंट्री, किस वर्ड से रिप्लेस करना है, कंट्री से. ठीक है, यहाँ पे हमने कंट्री टाइप करा की करके रखा है, तो हमें नेशन वर्ड को कंट्री से रिप्लेस करना है. तो यहाँ पे दो वर्ड टाइप करना है, रिफाइंड व्हाट बॉक्स में एंटर द टेक्स्ट यू वांट टू सर्च, है ना. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इस वर्ड को सर्च करना है. पहले कंट्री को डिलीट कर देते हैं, नेशन वर्ड टाइप करके इसको फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करना है. तो यहाँ पे जो ये वर्ड है नेशन, वो हमें यह सेलेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो इसको हमें कंट्री में रिप्लेस करना है, रिप्लेस विथ कंट्री, कंट्री. तो कंट्री यहाँ टाइप करना है. तो क्या, उसके बाद क्लिक ऑन द रिप्लेस बटन. तो यहाँ पे उसके बाद हमें रिप्लेस बटन में क्लिक करना है. टू रिप्लेस द टेक्स्ट फ्रॉम ऑल लोकेशन इन फाइल क्लिक ऑन द रिप्लेस ऑल. यदि हमको ये जो नेशन वर्ड है पूरे फाइल में कंट्री से रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस ऑल में क्लिक करेंगे. यदि हमको एक ही वर्ड, ये जो यहाँ पे एक ही वर्ड है उसको कंट्री से रिप्लेस करना है, तो हमें खाली रिप्लेस में क्लिक करना है. तो हमें एक ही वर्ड को रिप्लेस करना है. ठीक है, खाली नेशंस को इस फाइल में, यहाँ जो नेशंस टाइप हुआ है उसको कंट्री में रिप्लेस करना है. तो हमें खाली सिंपली रिप्लेस में क्लिक करना है, रिप्लेस ऑल में क्लिक नहीं करना है, क्योंकि नेशन जो वर्ड है खाली यहीं पे है, इसलिए हम इसी
एक वर्ड को ही चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो हमको सिंपली रिप्लेस में क्लिक कर देना है। तो इस तरह से जो यहाँ पे नेशन वर्ड था वो कंट्री में चेंज हो गया, रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स का किसी एक वर्ड या जो वर्ड कोई भी उसे करेक्शन करना है या किसी कोई दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना है, तो हम इस वर्ड को पहले फाइंड करेंगे, यहाँ पे टाइप करके फाइंड व्हाट में टाइप करके फाइंड करेंगे उस वर्ड को, उसके बाद रिप्लेस करेंगे, या तो उस वर्ड वो वर्ड और भी जगह यूज हुआ है तो रिप्लेस और करेंगे, तो उस वो वर्ड जो है वो पूरे डॉक्यूमेंट्स में रिप्लेस हो जाएगा विद द न्यू नेम कंट्री। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ प्रोसेस टू रिप्लेस द वर्ड विद अ न्यू वर्ड। ओके, तो नेक्स्ट थिंग्स है यहाँ पे गो टू कमांड भी यहाँ पे दिया गया है। द गो टू कमांड इज यूज टू गो टू अ पर्टिकुलर पेज सेक्शन लाइन एसेट्रा इन अ डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे जो गो टू कमांड है बुक में देख रहे होंगे, तो यहाँ पे गो टू जो कमांड है विच इज यूज टू गो टू अ पर्टिकुलर पेज, किसी भी पर्टिकुलर पेज में जाने के लिए जो गो टू कमांड यूज होता है, या सेक्शन किसी भी सेक्शन में जाने के लिए, या लाइन पे किसी भी पर्टिकुलर लाइन में अगर जाना होता है तो हमें ये गो टू कमांड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो टू यूज द गो टू फीचर्स डू द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो गो टू फीचर्स है उसको यूज करने के लिए यहाँ पे यूज द फॉलोइंग स्टेप्स यहाँ पे दिया गया है, उस स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो नंबर वन स्टेप में क्लिक ऑन द रिप्लेस ऑप्शंस फ्रॉम द एडिटिंग सेक्शन। तो हमें क्या करना है, हमें होम टैब में जाना है, तो एडिटिंग सेक्शन में हमको क्या करना है, रिप्लेस कमांड में क्लिक करना है। तो यहाँ पे रिप्लेस में क्लिक करते ही द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग्स बॉक्स अपीयर हो गया। तो हमारा ये फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग्स बॉक्स है वो अपीयर हो गया। तो उसी में विच आल्सो कंसिस्ट ऑफ अ गो टू टैब, क्लिक ऑन इट। तो यहाँ पे रिप्लेस में जो है यह एक रिप्लेस का हो गया, यहाँ पे गो टू टैब भी है उसमें क्लिक करना है हमें, गो टू टैब, यहाँ पे फाइंड रिप्लेस सब कुछ है, इसको छोड़ के हमें गो टू में क्लिक करना है। तो यहाँ पे हियर यू कैन सी सेवरल ऑप्शन अंडर गो टू व्हाट लिस्ट बॉक्स। तो यहाँ पे गो टू व्हाट लिस्ट बॉक्स में सेवरल ऑप्शन हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इफ़ यू वांट टू गो इन अ सर्टन पेज, तो हमें यहाँ पे पेज में क्लिक करना है और एंटर पेज नंबर, यहाँ पेज नंबर एंटर करना है। तो बहुत सारा पेज होगा या 50-100 पेज होगा, तो हमें किसी बीच के पेज में जाना है, 50 पेज में जाना है, तो हमें यहाँ 50 पेज नंबर एंटर करना है, उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो उस पेज नंबर 50 में हमें हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे सेक्शन है, किसी भी सेक्शन पेज नंबर के किसी भी सेक्शन में आप जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो हमको यहाँ पे क्या यू चूज करना है, चूज़ द लाइन ऑप्शन। तो यहाँ पे लाइन ऑप्शन चूज करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे लाइन में जाना है, तो लाइन ऑप्शन चूज करें, एंटर द लाइन नंबर इन द गिवन टेक्स्ट बॉक्स एंड क्लिक। तो हमें यहाँ पे लाइन नंबर एंटर करना है, तो हमें लाइन नंबर 3 में जाना है यदि, तो हमारा कर्सर अभी फर्स्ट लाइन में है, तो हमें यदि लाइन 3 में जाना है तो बहुत या तो लाइन 3 में या तो लाइन 4, 5, 6, 7, 8 या किसी भी लाइन में, यहाँ के किसी भी लाइन में जाना है तो हमें यहाँ पे लाइन नंबर एंटर करना है, तो हमें लाइन नंबर 8 एंटर कर देते हैं, तो हमको 8 लाइन में जाना है, तो यहाँ टॉप से किसी यहाँ पे 8 नंबर लाइन जो नंबर लाइन है उसमें जाना है, तो क्या करना है, एंटर द लाइन नंबर
गिवन ऑन द टेक्स्ट बॉक्स, उसके बाद लाइन नंबर में एंड लाइन नंबर हमें यहाँ एंटर करना है, तो उसके बाद गो टू बटन में क्लिक करना है। यहाँ पे जो गो टू बटन है वहाँ पे क्लिक करना है, तो इसको क्लिक करते हैं क्या होगा हमारा, द कर्सर विल मूव टू द एंटर लाइन नंबर, तो हमारा लाइन नंबर 8 में ये कर्सर पहुँच गया है। ठीक है, आपको दिखाई देगा दिया दे रहा होगा, यहाँ से यहाँ ऊपर से जो कर्सर हमारा लाइन नंबर 8 ये हो गया, तो हमारा लाइन नंबर 8 में ये कर्सर मूव हो गया। तो इस तरह से ये तो खाली लाइन में जाना था, तो एक ही डॉक्यूमेंट्स था इसलिए ये थोड़ा एक ही लाइन में जाना आसानी से जा सकते हैं हम कर्सर की ऐप से भी, लेकिन किसी पेज में जाना है तो बहुत सारे पेज होगा तो हमें ये कमांड यूज कर सकते हैं, ये इसके लिए बहुत सारा पेज होगा तो उसमें जाने के लिए आसानी होगा। यहाँ पे पेज नंबर एंटर करेंगे तो वो पेज में हम आसानी से एक ही क्लिक में हम उस पेज में पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये कमांड बहुत ही यूजफुल कमांड है फॉर टू गो इन सेवरल पेजेस। ठीक है, किसी भी लाइन में, पेज के किसी भी लाइन में जाने के लिए वो ये हम इस कमांड को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 3 कमांड हमने पढ़ा है, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू, तो इसको यूज करना हमें आना चाहिए। किसी भी वर्ड को हम फाइंड कर सकते हैं, फाइंड ऑप्शन में जाके यहाँ पे एंटर करके उस वर्ड को अपने डॉक्यूमेंट्स में वो वर्ड कहाँ पे यूज हुआ उसको हम सर्च कर सकते हैं, उसके बाद उसको रिप्लेस करते हैं उस वर्ड को यहाँ पे फाइंड करके उसको रिप्लेस विद अनदर वर्ड, न्यू वर्ड में रिप्लेस कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे गो टू टैब में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, किसी भी पेज में जा सकते हैं, सेक्शन, लाइन, किसी भी बुक मार्क में हम यहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हैं बाई एंटरिंग द नंबर्स, पेज नंबर, लाइन नंबर यहाँ पे एंटर करके हम यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स के किसी भी पेज लाइन में लाइन पेज नंबर लाइन नंबर में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, तो इस चैप्टर का जो भी एक्सरसाइज है वो हम व्हाट्सएप में भेज देंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन गुड बाय।